जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर चल रहा है अपना 3.1, प्रश्नावली चल रही थी और उसमें आज सेकंड क्वेश्चन करेंगे अपन। और सेकंड क्वेश्चन करवाने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर जो एक हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्रश्न था कि अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज के उदाहरण कौन कौन से हैं। मैंने आपको एक तो ये करवाया था, ठीक है, चैप्टर की थी ना, उसके बाद आपको नहीं मिलते हैं अवतल बहुभुज है तो ऐसी आकृति थी इस तरह से, और एक था ऐसे उसको भी ले लेना। तो ये क्या है अवतल बहुभुज, तो आकृति नंबर जो एक नंबर पे आई है ना वो भी अवतल बहुभुज है, इसको भी लिख लेना उसमें। अवतल बहुभुज में आपने दो आकृति लिखी है ना, तो ये आकृति ये भी अवतल बहुभुज है क्योंकि इसके भी विकर्ण काम मिल रहे हैं, बाहर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी अवतल बहुभुज जो लिखा है हमने उसमें लिख लेना। अवतल बहुभुज के उदाहरण कौन कौन से हैं, अवतल बहुभुज कौन कौन से होंगे, ये भी आकृति एक नंबर वाली आकृति ये भी अवतल बहुभुज में आए थी जो हमने पहला क्वेश्चन किया है उसके उसमें ये कर लेना। ओके चलिए इसको कर लेना आप लोग, हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। अभी सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में निम्न लिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं, कितने विकर्ण हैं, विकर्ण दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। तो आपको बताएं कि इस आकृति में कितने विकर्ण हैं। पहली है एक उत्तल बहुभुज। एक सामान्य उत्तल बहुभुज की बात करें तो एक जो चतुर्भुज होता है वो क्या होता है, उत्तल बहुभुज। क्या होता है, उत्तल बहुभुज, ठीक है। बहुभुज होगा उसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं होगी, या तीन भुजा होगी बहुभुज में या अधिक भुजाएं। उत्तल कौन सा, उत्तल बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसका विकर्ण काम हो उत्तल बहुभुज के अंदर बनता हो, उसे ऐसा बहुभुज जिसका विकर्ण अंदर बने वो होता है उत्तल बहुभुज। तो अगर एक उत्तल बहुभुज है उसमें दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं, एक यहां और एक यहां। आप लिखेंगे उत्तल बहुभुज, ये उत्तल बहुभुज है और इसमें दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं, ठीक है, लिख लेना। ये उत्तल बहुभुज में दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ओके चलिए दूसरा क्या है देखना, दूसरा है एक सम छठभुज, एक सम यानी समान, छठ यानी छठ मानी छह और भुज मानी भुजा वाला, एक सम एक छह भुजाओं से बना, और छह भुजाएं कैसी हैं, समान, एक से छह समान भुजाओं से बनी आकृति समचतुर्भुज कहलाती है। ऐसे देखो, एक भुजा दो भुजा तीन चार पांच छह, और छह की छह भुजाएं कैसी हो, बराबर ऐसे लंबाई में, ये तीन सेंटीमीटर, ये भी तीन सेंटीमीटर, तीन सेंटीमीटर, तीन सेंटीमीटर, तीन सेंटीमीटर, तीन सेंटीमीटर, ठीक है। वो होता है समचतुर्भुज, ऐसा छठ यानी छह भुजाओं से बनी आकृति छठभुज होती है, और छह भुजाएं कैसी हो, समान, छह की छह भुजाएं कैसी हो, समान हो, वो आती है समचतुर्भुज। अब इसमें विकर्ण खींचोगे आप, विकर्ण कहां कहां खींचेंगे, देखो विकर्ण कहां होते हैं, शीर्ष एक शीर्ष दो शीर्ष, जहां दो रेखाएं मिलती होता है शीर्ष, तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह। अब छह भुजाओं से बनी आकृति है छठभुज है, और छह भुजाएं कैसी हैं, समान, सभी बराबर हैं, तो वो हो गया छठभुज। अब इसमें विकर्ण कितने खींच जा सकते हैं, देखो एक तो सीधा विकर्ण ये खींच लो, एक इसको इससे मिलाया दो तीन, फिर इसको इससे मिला वो चार पांच, और एक और खींचा जा सकता है, एक और क्या चार और खींच जा सकते हैं, देखो इसको इससे मिला दे दो, इसको इससे मिला दिया, सबसे पहले देखो शुरू से करते वापस, ठीक है, एक इसको इससे मिला दे, एक इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला, शीर्ष है ये शीर्ष जो इनको मिलाना है आपस में, शीर्षों को मिलाने वाली मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है विकर्ण, उसमें एक विकर्ण ये हो गया, दो
तीन चार पांच छः सात आठ और ये नौ, कुल मिला के इसमें नौ विकेट खींचे जा सकते हैं। आप देख लेना, मैं बता दूंगा। देखो एक सम षटभुज बना लेना ऐसा, एक दो तीन चार पांच और छह भुजाओं से बना षटभुज। और इसमें जो यहां लिखा है एक बी सी डी ई एफ, यहां लिखा है सम षटभुज। अब इसमें कितनी विकर्ण होते हैं? नौ विकर्ण खींचे जा सकते हैं। कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? नौ विकर्ण खींचे जा सकते हैं। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ, ठीक है। इसमें सम षटभुज होता है, इसमें छह भुजाएं बराबर होती है, इसमें नौ विकेट खींचे जा सकते हैं। एक देख लो, एक दो तीन चार पांच, ये हो गया इसके छ सात आठ नौ ये दस, सो नौ ही खींचा सकते हैं, नौ, ठीक है। आप खींच करके देख लेना, नौ विकेट ही खींच जाएंगे, इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप कर लेना, नौ ही विकेट खींच जाएंगे। जो सम षटभुज होगा उसमें नौ विकेट खींचे जाते हैं, तो जितना सम षटभुज और इसमें होते हैं नौ विकेट, क्या होते हैं? नौ विकेट, ठीक है। दूसरा तो तीसरा, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज जो होगा वो क्या करेगा? देखना, एक दो और तीन भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज होती है, तो ये ए बी और ये सी हो गया, ठीक है। अब इसमें एक मान लो अपने सिर्फ खींचे, कहां से खींचेंगे ये? इसको इससे मिला सकते हैं क्या? ये तो ये पहले से मिला हुआ है, ये सिर्फ कहां मिले हुए हैं? ये सिर्फ इससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है और ये इससे पहले से मिला हुआ है, तो त्रिभुज जो होता है उसमें विकेट खींचा ही नहीं जा सकता। विकेट कब खींचा जाएगा? जब कम से कम कितनी हो? चार भुजाएं, एक दो तीन और ये चार भुजाएं हो तो ही विकेट खींचा जा सकता है। त्रिभुज में एक दो और तीन भुजाएं, ये सिर्फ इससे मिला हुआ है, ये इस रेखा से, ये सिर्फ इससे मिला हुआ, इस रेखा से, ये इससे मिला हुआ, इस रेखा से, तीनों पहले से मिले हुए हैं, इसको शीर्षों को तो मिला ही नहीं सकते, इसके बीच में विकेट खींचा भी नहीं जा सकता। तो अभी देना, त्रिभुज में विकेट नहीं खींचा जा सकता। चलो आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? उत्तल चतुर्भुज के, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल, योगफल, योगफल क्या है? अगर कोई उत्तल, उत्तल बहुभुज है, उत्तल चतुर्भुज है, चार भुजाओं से बनी आकृति और सभी विकर्ण कहां हो? अंदर, वो होता है उत्तल चतुर्भुज। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो, यदि चतुर्भुज कैसा हो? उत्तल ना हो तो क्या करेंगे? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा? ये गुण लागू होगा? एक चतुर्भुज बनाइए, एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो, उत्तल ना हो, प्रयास कीजिए। ओके, चलिए इसको मिला दो बेटा, इसको मिला देते हैं। देखना, अभी ये मिटा रहा हूं। ये कह रहा है कि चतुर्भुज होता है उत्तल चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ये हो गया उत्तल चतुर्भुज, ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसके
विकर्ण कहां हो? अंदर। कहां मानते हो? अंदर। वो होता है उत्तल चतुर्भुज। इसे क्या बात की है तीसरे का उत्तर, उत्तल चतुर्भुज जो होता है उसके अंदर या उसी कोणों का माप कितना था, कोणों का योगफल कितना होता है। इंद्रिय वाले कौन पूछे हैं लिखो ए बी सी डी। अब इसके बीच में एक विकर्ण दिया जा रहा है, देखो विकर्ण खींचा हमने तो इसके क्या बन गए दो त्रिभुज, क्या बन गए दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये। अगर उत्तर चतुर्भुज या चतुर्भुज के बीच में एक विकर्ण किया जाए तो दो त्रिभुज बनते हैं, ये त्रिभुज हो गया त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी इसका नाम है ए बी सी। तो विकर्ण ए सी खींचने पर दो त्रिभुज, त्रिभुज दो त्रिभुज एक बना ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और दूसरे त्रिभुज हो गया ए डी सी, देखो एक नंबर त्रिभुज और ये दो नंबर त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी बनते हैं। तो चतुर्भुज बराबर क्या हो गया, दो त्रिभुजों के कोणों का योगफल, दो त्रिभुज है उनके कोणों का योगफल कितना आएगा, एक चतुर्भुज के योगफल के कोणों के योगफल के बराबर, यानी ना चतुर्भुज के कोणों का माप या चतुर्भुज कोणों का माप बराबर क्या होगा, तो एक चतुर्भुज का इसके सभी अंश कौन है, एक दो तीन और चार, कोणों का मान कितना होगा, तो हमने एक विकर्ण खींचा तो क्या आ गया दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज ये और एक त्रिभुज एक दो और ये दो त्रिभुज बन गए। अब ए बी सी ये कौन, ए कौन बी कौन और सी कौन, ये तीनों कोण कितने होंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तीनों अंदर वाले कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बन गया ए बी सी और प्लस त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी इन दोनों का योगफल कितना आएगा, चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 360 के बराबर आना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए ए बी सी में कौन क्या होगा, कौन ए फिर कौन बी और फिर कौन सी, तीनों का मान फिर ए त्रिभुज ए डी सी इसमें क्या होगा, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी, तो ए बी सी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री प्लस ए बी और सी जो क्या 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए बी सी 180 डिग्री और इसके भी ए बी सी, इसका भी तीनों का मिला कितना हो गया 180 डिग्री, ए बी सी का भी 180 डिग्री, तो ए बी सी का कितना हो गया 180 डिग्री, तो 180 कितना हो गया 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग माफ माप कितना होता है, उत्तर चतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के अंतर कोणों का माप या कोणों का माप कितना आ गया, कोणों का माप बराबर कितना आ गया 360 डिग्री। ये कैसा था, उत्तर चतुर्भुज था, तो यार एक तो उत्तर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप 360 डिग्री आ गया, क्योंकि ये त्रिभुज बढ़ गया ना, त्रिभुज में कोणों का योग होता है 180 360 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री। अब ये कह रहा है देखो ये तो हो गया उत्तर चतुर्भुज के कोणों का मापों का योगफल क्या है 360 डिग्री, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो कैसा होगा, अवतल, अवतल चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण कहां हो बाहर, चतुर्भुज के बाहर विकर्ण खींच जाए तो वो होता है अवतल चतुर्भुज। तो ये कह रहा है अगर चतुर्भुज ये तो उत्तल था तो इसके विकर्ण कहां थे अंदर, अगर चतुर्भुज अवतल हो इसके विकर्ण अंदर ना हो तो क्या होगा, तो अब देखते हैं चलो अब बनाते हैं अवतल चतुर्भुज का चित्र, क्या बनाते हैं अवतल चतुर्भुज का चित्र, ठीक है अब देखना। तो अगर चतुर्भुज अवतल हो तो क्या ये नियम लगेगा, हाँ लगेगा,
चतुर्भुज से क्या फर्क पड़ता है, अवतल हो या उत्तल हो उसके समीकोणों का मान 360 डिग्री ही होगा। ये प्रूफ करना है हमें, क्या करेंगे एक अगर चतुर्भुज अवतल हो तो क्या होगा, अवतल चतुर्भुज बनाओ एक दो तीन, एक दो तीन और ये चार भुजा, ये चतुर्भुज है, चार भुजाएं होती है वो चतुर्भुज होता है, चाहे चारों भुजाएं अलग अलग हो चाहे बराबर हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें चार भुजाएं वो क्या होता है चतुर्भुज। अब देखना ये चतुर्भुज बन गया, एक भुजा दो तीन और ये चार, चार भुजाएं होगी ठीक है। अब इसको मिलाते हैं, ये विकर्ण खींचा सॉरी इस विकर्ण में से मिलाया ठीक है, त्रिभुज कितने बन गए, एक तो ये त्रिभुज और ये बन गया ये पूरा त्रिभुज, वो त्रिभुज बन गया ना, त्रिभुज लिखो ए बी, पहले ये त्रिभुज खींच लेते हैं ए बी सी और ये डी। अब इस त्रिभुज के विकर्ण को मिलाया तो विकर्ण को मिलाने से क्या बन गया ए डी सी, वो त्रिभुज बन गया ना, तो त्रिभुज ए बी और सी त्रिभुज ये हो गया, उस त्रिभुज ये रेखा मिलाई तो क्या बन गया ए बी और ये सी, तो त्रिभुज बन गया, छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लिखेंगे लिखना चतुर्भुज अवतल हो तो अवतल चतुर्भुज के अवतल चतुर्भुज के सभी कोणों का माप बराबर क्या होगा, माप बराबर क्या होगा त्रिभुज, अब त्रिभुज दो बन गया देखो ए ए बी और ए सी, त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के कोणों का योग, कोणों का योग ठीक है। अब क्या करेंगे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी एक कोण, ए कोण बी कोण और ये सी कोण, तीन हो गए ठीक है, त्रिभुज में कोण ए कोण बी और कोण सी प्लस एबीसी में ए बी सी में कोण ए कोण बी और कोण सी, कोण ए कोण बी और कोण सी, कोण ए कोण बी और कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री और इसके भी तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 180 से कितना गया 360 डिग्री। तो आप लिखेंगे अवतल चतुर्भुज हो तो भी उसके सभी कोणों का योग कितना होगा, अवतल चतुर्भुज के कोणों का योग या कोणों का माप बराबर 360 डिग्री। तो अगर चाहे चतुर्भुज चाहे कैसा हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो उसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा, ये हमने प्रूफ कर दिया ओके। इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो कर लिया आप लोगों ने। चलो देखो आपको वो कंफ्यूजन दी ना वो मैं दूर कर लेता। देखो ये सम चतुर्भुज मान लो, देखो एक दो तीन चार पांच और छह बजे वाला, एक विकर्ण दो विकर्ण और एक तीन विकर्ण, सभी शीर्ष मिल रहे हैं ए बी सी डी। अब देखो देखना एक विकर्ण हो गया, इसको इसको मिलाया शीर्ष को एक, इसको इसको मिलाया दो, इसको इसको मिलाया तीन, इसको इसको मिलाया चार, ये मिल रहे हैं ये पांच, पांच हो गए। अब छह सात ये देखो, अब देखना आठ और ये नौ हो गए ना, नौ विकेट हो गए एक सम चतुर्भुज में, नौ विकेट। वापस बताओ देखो आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सबने ऐसे ऐसे बता दिया, हमें समझ में नहीं आया। देखो वापस एक भुजा दो भुजा तीन भुजा चार और एक पांच और एक छह, एक बार क्या करेंगे इस ये शीर्ष ये शीर्ष ये शीर्ष ये शीर्ष ये शीर्ष ये शीर्ष, सभी शीर्ष आपस में मिलने चाहिए। देखो इसको मैंने इससे मिलाया ये दोनों मिल गए, ये शीर्ष और इससे मिलाया दो शीर्ष, इसको इससे मिलाया तीन हो गए। अब हम क्या करेंगे इस शीर्ष को इससे मिलाएंगे फिर इसको इससे मिलाएंगे, पांच हो गए टोटल एक दो तीन चार पांच, पांच हो गए। अब क्या करेंगे नीचे वाला है इसको मिला ऊपर वाले से छह, नीचे वाले ऊपर वाले से सात, फिर इस ऊपर वाले को नीचे वाले से आठ और ये नौ, नौ गए टोटल। एक सम चतुर्भुज में नौ विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना और आज के लिए इतना ही। ओके गुड बाय, थैंक यू।